ओवरऑल जो निज़ाम था, देखें ये जो 16 माह हमारे गुजरे हैं ना, ये हम अगली जो है ना 16 सदियों तक ये हमारी तारीख का हिस्सा रहेंगे। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ, जो आईन और कानून के नाम पे इस मुल्क के साथ हुआ है, राजा रियाज साहब जाके लंदन में मियाँ साहब से मिले हैं और उन्होंने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली, ये कोई ख़बर नहीं है। 16 माह में सबको पता था, आप लोगों को भी पता जी था कि राजा रियाज साहब क्या अपोजिशन लीडर हैं, क्या ये विल होती है पार्लियामेंट की अपोजिशन लीडर ऐसा होना चाहिए, वो हर चीज़ उनकी मर्जी से करते थे। फिर उसके बाद जो स्पीकर साहब हैं, उन्होंने मेक श्योर किया कि राजा रियाज की कुर्सी बचे, जिन लोगों के इस्तीफे वापस हुए थे, परवेज अशरफ साहब ने उनको वापस नहीं आने दिया पीपल्स पार्टी ने, बिल्कुल तो अब कोई गिला शिकवा नहीं कर सकता। और फिर लोग यहां तक कहते रहे कि ये पार्लियामेंट इतनी सुप्रीम है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को माने या ना माने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वर्सेस करारदाद। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पीरियड हमारी हिस्ट्री का गुजरा है, और मेरे ख्याल में जो हमने जमहूरी सफर तय किया था उसको इन लोगों ने ऐसे रोल बैक किया है कि अब उसका दोबारा उसको रोल आउट करना थोड़ा सा टाइम जी लगेगा।